नमस्कार, जनसेतु के खास प्रोग्राम डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोर्ट कैसे तय करेगा कि अब इस शादी में कुछ नहीं बचा, तलाक ही आखिरी रास्ता। अगर पति पत्नी का रिश्ता टूट चुका है और उसमें सुलह की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तलाक को मंजूरी दी जा सकती है। परिवार का सदस्य नहीं बनेगा अध्यक्ष, एनसीपी के सूत्रों का दावा। एनसीपी के अगले अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के अंदर के सूत्र अटकलों पर यह कहकर विराम लगाते नजर आ रहे हैं कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष परिवार से नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव, शरद पवार के एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने पर बोली बीजेपी। इस वक्त सभी की निगाहें महाराष्ट्र की राजनीति पर अटकी हुई हैं। शरद पवार के इस्तीफे के बीच अब बीजेपी कुछ बड़ा बदलाव होने का भी दावा कर रही है। अखिलेश यादव के वादे से बीजेपी में और बढ़ेगी कलह, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को भी चुभेगी बात। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी द्वारा प्रयागराज में मेयर का प्रत्याशी बदले जाने पर प्रतिक्रिया दी है। कार्यकर्ताओं का दबाव महसूस कर रहा हूं, बैठक से पहले बोले शरद पवार। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से हटने का ऐलान किया, इसके बाद से एनसीपी कार्यकर्ता काफी मायूस हैं। प्रयागराज से लेकर माउंट आबू तक अतीक ने होटलों में लगाए थे करोड़ों रुपए। अतीक ने प्रयागराज से लेकर माउंट आबू, गोवा और विदेश तक के होटलों में करोड़ों रुपए का निवेश किया था। अखिलेश यादव ने बीजेपी नहीं इस पार्टी से दी सावधान रहने की सलाह, कहा सीएम योगी तमंचे की बात करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनावी शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई और जनता की सुविधाओं के लिए है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तमंचे की बात करते हैं। मनरेगा मजदूरों को मिला तेंदुए का नन्हा शावक, वन विभाग उसको मां से मिलाने में जुटा। वन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी तेंदुए का बच्चा वन विभाग के पास है, नन्हे शावक का देखभाल वन विभाग की टीम कर रही है। पवार परिवार में फूट डालने के लिए जिम्मेदार संजय राउत, बीजेपी ने बताया आधुनिक शकुनी। बीजेपी ने संजय राउत को पवार परिवार में फूट डालने का जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव और संजय शेखर आजाद ने जयन चौधरी ने बनाई दूरी, तस्वीरों में दिखा गया नया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन से आरएलडी ने अब दूरी बनानी शुरू कर दी है। मेयर चुनाव के बाद एमसीडी की पहली बैठक में हंगामा, 10 प्रस्ताव पास। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर शाली ओबेरॉय ने एमसीडी की बैठक असंवैधानिक तरीके से बुलाई, इसलिए सदन की कार्यवाही रद्द की जाए। पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने मांगी जमानत, एचसी और सीबीआई को भेजा नोटिस। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्हें अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राहत की मांग की है। मुसीबत में फंसे मंत्री जी, गवर्नर के आदेश पर खुद डीजीपी ने शुरू की जांच। कांग्रेस विधायक खेरा द्वारा राज्यपाल पुरोहित को सौंपे गए अश्लील वीडियो के बाद पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये राजनीतिक कंट्रोवर्सी जालंधर उपचुनाव में आप पर भारी पड़ सकती है। लाडली लक्ष्मी योजना को 16 साल हुए पूरे, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले बेटियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है। लाडली लक्ष्मी दिवस पर राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास परिसर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। चुनाव से पहले बड़ी बीजेपी की मुश्किलें, सिंधिया की वजह से बिगड़ रहा टिकटों का खेल। दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर दौरे कर रहे हैं जहाँ बीजेपी की हमेशा जीत होती है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजीत की चर्चा, नाना पटोले ने दी प्रतिक्रिया। संजय राउत ने शरद पवार के इस्तीफे के बारे में ट्वीट कर कहा कि एक समय था जब शिवसेना प्रमुख बाबा साहेब ठाकरे ने भी राजनीति के चलते पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। बारिश से खराब फसल का मुआवजा देगी हिमाचल सरकार, सीपीएस किशोरीलाल बोले सीएम से करेंगे मांग। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में सेब के बागवानों को काफी नुकसान हुआ, वहीं मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल काली पड़ गई है। इसके अलावा निचले इलाकों में आम की फसल को भी नुकसान हो रहा है। गुमला में शादी से लौट रहे पिकअप पलटी, 5 की मौत, 29 घायल, सीएम ने जताया रोष। गुमला जिले के ठुमरी दिले में एक गाँव में पिकनिक वैन के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई।
अब सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अधिकारी, खट्टर सरकार का बड़ा फरमान। हरियाणा की खट्टर सरकार ने अफसरशाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारी अब सरकारी वाहन का निजी उपयोग नहीं कर सकेंगे, अगर ऐसा किया तो उन्हें भुगतान अपनी जेब से करना होगा। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।